नमस्कार, मैं हूं मनुरा सक्सेना। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। गहलोत सरकार ने हाई कोर्ट में कहा, सरकार ने निजी अस्पतालों को दिए हैं दिशा निर्देश, मुफ्त किया जाए कोरोना पीड़ितों का इलाज। धार्मिक स्थल खोलने को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने की रायशुमारी, जिला स्तर कमेटी का गठन किया, सीएम को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। राज्य में शनिवार सुबह तक कोरोना के 44 नए केस सामने आए, राजस्थान बना 10,000 केसों वाला पांचवा राज्य। मिलिए जयपुर के ट्री मैन से, अब तक लगा चुके हैं हजारों पेड़। राजस्थान में निजी अस्पताल अब कोरोना की जांच और इलाज से बच नहीं सकेंगे। निजी अस्पतालों को लेकर गहलोत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। राजस्थान हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से ये कहा गया कि राज्य सरकार ने मेडिकल सर्विसेज के लिए अधिकृत ट्रस्ट से जुड़े या निजी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि वो कोरोना वायरस के मरीजों का मुफ्त इलाज करें। सरकार ने कहा कि निजी अस्पतालों की ओर से मरीजों को सरकारी अस्पताल में जाने के लिए कहा जाना अमानवीय है। सरकार ऐसे अस्पतालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। दरअसल कोर्ट में दाखिल इस PIL में ये कहा गया था कि निजी अस्पतालों ने राज्य सरकार से रियायती दर पर जमीन तो ले ली, लेकिन वो कोरोना और दूसरी बीमारियों से जूझ रहे लोगों का इलाज नहीं कर रहे। सरकार की ओर से ये कहा गया कि इन अस्पतालों को सरकार की ओर से एडवाइजरी के जरिए 4 बार गाइडलाइंस दिए गए हैं, लेकिन निजी अस्पताल अपने जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरी तरह से अमानवीय है। बात करने के लिए हमारे साथ संजय बोरा, जो कि रेजिडेंट एडिटर हैं, जयपुर से जुड़ गए हैं लाइव। संजय बोरा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो एडवाइजरी निजी अस्पतालों के लिए जारी की गई है, इसमें क्या महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं? हालांकि ये जरूर निकल कर आया कि निजी अस्पताल जो हैं अब वो कोरोना के इलाज से बच नहीं सकेंगे और वो फ्री में इलाज करेंगे, लेकिन ग्राउंड पर देखें कि क्या ये मुमकिन आपको नजर आता है प्रैक्टिकली? राजस्थान का जहाँ तक सवाल है, उसने पहले से ही तमाम जो प्राइवेट हॉस्पिटल से अलग अलग जिलों में, शहरों में, उनको आइडेंटिफाई कर लिया था, उनके ICUs आइडेंटिफाई कर लिए थे। तो जो कोरोना के पेशेंट्स थे, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स, उनको वहाँ पे ICU में डालना था, रखना था, जहाँ पे कि उनका इलाज हो सके। और जो असिम्टोमेटिक थे या जिनमें लग रहा था कि ये अब ठीक हो सकते हैं, उनको, उनके लिए बेड की व्यवस्था। तो ऐसे करीबन 10,000 बेड्स की व्यवस्था राजस्थान सरकार ने निजी अस्पतालों की थी और ये जिला कलेक्टर के माध्यम से आदेश दे दिए गए थे, तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत आने वाली बात थी नहीं। इसके अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जिन उनको ये निर्देश दिए गए थे कि यदि कोई भी उनके पास आता है इलाज के लिए, तो उनको मुफ्त में इलाज करना होगा, और इसके लिए राजस्थान सरकार ने अपने उस आदेश का इस्तेमाल किया था, जिसमें ये जो तमाम हॉस्पिटल्स हैं, इन्होंने जब ज़मीन ली थी तो इन्होंने कंसेशन मांगा था सरकार से, कईयों को मुफ्त में मिली, कईयों को आधे दामों पर मिली, और उसमें ये कहा गया था कि आप एक निश्चित संख्या में 25% या 10% लोगों का इलाज जो है वो मुफ्त में करेंगे, या हो सकता है कि BPL के लिए कोई शर्त रख दी हो कि आप BPL के लोगों का इलाज मुफ्त करेंगे जी। अब इसमें फ़ायदा ये है कि भले ही वो BPL के लोग हों, पर सरकार जो अस्पताल है उनको इलाज तो मुफ्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कंसेशन रेट पे जब जमीन ली थी तो इसी आधार पर ली थी कि हम एक निश्चित संख्या में लोगों को मुफ्त इलाज उपलब्ध करवाएंगे। कार्रवाई की बात अब सरकार कर रही है कि जो भी मना करेगा उसकी खैर नहीं, लेकिन कार्रवाई को लेकर क्या कोई स्पष्ट नीति भी बताई गई है, किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, इसमें अभी राजस्थान के जो अर्बन डेवलपमेंट हाउसिंग मिनिस्टर हैं शांति धारीवाल, उन्होंने कुछ फाइल्स मंगवाई हैं कि किन किन अस्पतालों को और जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको कंसेशनल रेट पे ज़मीन दी गई है। कईयों ने अस्पताल शुरू नहीं, एक्चुअली खबर आई थी कि कई लोगों ने अस्पताल या स्कूल शुरू भी नहीं किए, तो उस खबर को देखते हुए किया गया था। और तब ये तय किया गया कि जो लोग, जिन्होंने भी ये सस्ते दामों पर ज़मीन ली है सरकार से रियायती दरों पर, उनमें से जिसने ज़मीन पे कोई काम शुरू नहीं किया है या जो बन चुके हैं लेकिन ये फ्री इलाज की या जो बच्चों को मुफ्त में पढ़ा, गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने का जो एडमिशन का जो वादा किया था वो पूरा नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसमें ये हो सकता है कि उनका जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल कर दिया जाए। ये सरकार के पास सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन यहाँ पर
संजय, अगर प्रैक्टिकली आप देखते हैं, चूंकि कोई भी स्कूल खोलता है या फिर हॉस्पिटल खोलता है तो वो रियायत दरों पर ही लेता है और ये वादे के साथ कि हम जो गरीब बच्चे हैं उनको एक कोटा है निश्चित तक देंगे या हम मुफ्त में इलाज करेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि जो जितने भी स्कूल हैं या फिर जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो सिर्फ एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे होते हैं, एक मरीज को क्लाइंट की तरह देखते हैं। तो अगर ये आदेश दिया गया है, क्या आपको लगता है कि सही मायने में ये ज़रूरत तो थी, लेकिन आप प्रैक्टिकली क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाएगा? आप सही कह रही हैं, इसको लागू करना बहुत मुश्किल है, इसलिए नहीं कि सरकार इसको कर नहीं सकती, इसलिए कि इच्छा शक्ति की बात होती है। और ये जो बहुत जो अस्पताल हैं बड़े बड़े, खास तौर पर जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं देश के, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन सब जानते हैं, तो ये इतने बड़े कॉरपोरेट घरानों को बिलोंग करते हैं कि उन पर आप दबाव डालना आपके लिए मुश्किल होता है। लेकिन ये सारी बातें राजनीतिक इच्छा शक्ति पर निर्भर करती हैं। यदि आप राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाएंगे तो आप उसको अमल में ला सकते हैं, लेकिन अगर आप में राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है या आपके कुछ रसूखात है वो उसको काम में लेते हैं तो फिर ये मुश्किल। और ये मॉनिटरिंग की भी बहुत जरूरत है कि सरकार इस चीजों पर ध्यान दे। जो शिकायतें आ रही हैं लोगों की तरफ से कि इलाज से मुकर रहे हैं, उनके लिए अब क्या बड़ा संदेश तो दिया गया है, लेकिन वही सवाल कि क्या इंप्लीमेंट हो पाएगा जमीन पर। संजय जी हमारे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बता दें कि दिल्ली में भी ऐसी स्थिति है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और उसी को लेकर आज मुख्यमंत्री केजरीवाल भी कह चुके हैं कि कोई भी निजी अस्पताल ऐसा करता हुआ पाया गया या इलाज से मना किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। वही राजस्थान सरकार का भी कड़ा रुख दिखाई दे रहा है। राजस्थान में एक महीने में 1,000 करोड़ रुपए की शराब बिक्री हो चुकी है, में सरकार को करीब 400 करोड़ रुपए आबकारी राजस्व के तौर पर मिला है। लॉकडाउन की वजह से सरकार के ऊपर इस बात का दबाव था कि वो शराब की दुकानें खोले, नहीं तो फिर केंद्र की ओर से आर्थिक मदद उसे मिलनी चाहिए। दूसरी ओर राजस्व बेहद कम हो गया था, ऐसे में सरकार को 4 मई को शराब की दुकानें खोलनी पड़ी। हालांकि अभी भी राज्य में होटल, क्लब्स, रेस्टोरेंट्स बंद हैं और इनकी संख्या करीब 1,000 है। राज्य सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए आबकारी राजस्व का लक्ष्य करीब 1,25,00 करोड़ रुपए का, जो आपको बता रही कि जो है 12,500 करोड़ रुपए का रखा हुआ है। ऐसे में ये देखना होगा कि सरकार अपना ये लक्ष्य हासिल कर पाती है या नहीं। एक बार फिर हम संजय बोरा का रुख करते हैं, रेजिडेंट एडिटर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं जयपुर से। संजय बोरा, ये जो अब बिक्री शुरू हो गई है शराब की, जाहिर तौर पर राजस्व का एक बहुत बड़ा ये मीडियम था, कितना नुकसान हुआ था और अब कितना गेन करती हुई दिख रही है सरकार? देखिए, नुकसान तो बहुत हुआ था क्योंकि जब मार्च के आखिरी हफ्ते में ये बंद हुआ था और तमाम दुकानें बंद करनी पड़ी थी, यही वो समय होता है जब सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है। और इसी वक्त जो पुराने जिन जो बंदोबस्त होते हैं, जो पुराने जिनको लाइसेंसधारी होते हैं, वो अपना सारा स्टॉक किसी न किसी रूप में क्लियर करते हैं, तो सरकार को उससे रेवेन्यू होती है। और उसके बाद अप्रैल के पहले महीने में, अप्रैल के फर्स्ट वीक से ये नए जो लाइसेंस होल्डर्स हैं वो आते हैं और वो अपनी फीस वगैरह जमा करते हैं। तो हुआ ये था कि पुराने लाइसेंस वाले जो थे उनका उन्होंने रिन्यू नहीं करवाया, जो नए लाइसेंस वाले थे वो फीस जमा नहीं करवा रहे थे, तो सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। और 11,000 करोड़ का करीबन उनका जो लक्ष्य था उससे काफ़ी कम उनका राजस्व रह गया था, कम से कम 2,000-2,500 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। अभी 1,000 करोड़ रुपये की जो शराब बिकी है उसमें सरकार को राजस्व मिला है 400 करोड़। अगर यही पैटर्न हम देखें बना रहता है तो सरकार को मिलेगा करीबन 5,000 करोड़, जो कि उसके लक्ष्य से बहुत कम है। 12,500 करोड़ का जो लक्ष्य है उसके लिए बिक्री बढ़नी होगी। हालांकि ये भी तय है कि अभी जो बहुत सारी दुकानें हैं या क्लब्स, होटल्स, बार्स वगैरह बंद हैं, जब वो सब ऑपरेट करने लगेंगे, फंक्शन करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार की आमदनी बढ़ेगी, जिसकी कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। केंद्र से मदद मिल नहीं रही है, राजस्व के बाकी सारे उपाय जो हैं वो समय लेंगे, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है, माइनिंग है, कंस्ट्रक्शन है, उन सब में समय लगता है रिवाइव होने में। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसमें कि कैश ट्रांजेक्शन होगा, तुरंत ट्रांजेक्शन होगा, इसलिए सरकार को इस स्रोत पे बहुत बड़ी उम्मीद है। हालांकि अनलॉक वन भी अब हो चुका है, अब जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी खोलने जा रहे हैं 8 जून से, होटल्स खोलने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात संजय ये भी है कि जो बकाया अब तक GST का था वो भी केंद्र सरकार ने फरवरी तक का तो राज्य को दे दिया है, तो इससे आपको क्या लगता है कितनी राज्य सरकार की फाइनेंशियली स्थिति जो है मजबूत होगी? कुछ तो फर्क पड़ेगा, वो कहते हैं ना कि कुछ नहीं से कुछ तो भला है, लेकिन उससे उपाय होगा नहीं। फरवरी तक का दिया है लेकिन अभी हम कहाँ चल रहे हैं, हम नए वित्तीय वर्ष का भी पहला क्वार्टर ख़त्म कर रहे हैं, यानी कि आप देखिए बैकलॉग मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने का तो बैकलॉग ही चल रहा है।
और जो जीएसटी का जो रेवेन्यू सरकार के पास आया है, केंद्र सरकार के पास, उसमें गिरावट भी काफ़ी हुई है, क्योंकि मार्च अप्रैल मई में कोई खासकर अप्रैल और मई में कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं हुई थी, तो राजस्व में गिरावट तो तय है। और इसलिए जितना पैसा मिला है वो नाकाफी है, और चार महीने का बैकलॉग जो मैं कह रहा हूँ वो तो ऑलरेडी हो चुका है, अगर हम जून को ना भी माने तो मई तक का तो है ही। शुक्रिया संजय हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम कैलकुलेशन हमें समझाने के लिए। राजस्थान की पहचान साफा पिछले तीन दिन से सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या विधायक, क्या मंत्री और क्या राज्यपाल सभी साफा और पगड़ी पहने हुए अपनी फोटो सोशल मीडिया यानी फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर कर रहे हैं। दरअसल तीन दिन पहले राजस्थान के पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने साफा विद ट्विटर अभियान की शुरुआत की थी, जिसके बाद सामने आया राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट का एक शानदार वीडियो, जिसमें वो कुछ ही सेकंड में पगड़ी पहनते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो को देखकर लगता है कि वो कोई मंच है जहां उन्होंने अपनी राजस्थानी पगड़ी पहनने की कला का प्रदर्शन किया है। इस ट्वीट पर सचिन ने लिखा भी है, इन सपोर्ट ऑफ हैश साफा विद ट्विटर, पगड़ी राजस्थान की शान है, वीर धरा की पहचान है। कोरोना संकट के दौरान राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले काम को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने एक बयान दिया जिस पर अब विवाद हो गया है। रघु शर्मा ने कहा कि बीजेपी दो गुटों में बंट गई है और बीजेपी के नेता गंदी राजनीति कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहा सार्वजनिक रूप से कि जो मैनेजमेंट आपने किया है उसको अन्य राज्यों को फॉलो करना चाहिए, या बीजेपी के छुटवैया नेता कुछ भी कहते रहे, ये एक्सपोज हो रहे हैं खुद, ये गंदी राजनीति की बू आ रही है। ये करेंगे अच्छा है, इनका खुद का चरित्र उजागर हो रहा है। बीजेपी बंद कमरों में बयान दे रही है, ये पब्लिक देख रही है सारी चीज़, लोकतंत्र है ये, और ऐसे बयानबाजों को पब्लिक रेटिंग करना जानती है कि ये किस रूप में बयान कर रहा है। आंतरिक गुटबाजी हावी है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी तो वर्टिकल डिवीजन है, पूरे दो गुटों में बटी हुई है, दो एम दर्जे के लोगों के हाथ में वहाँ नेतृत्व है, इसलिए उनके बारे में क्या बात करेंगे। चिकित्सा मंत्री के बयान का पलटवार करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि बड़बोले बयान देने वाले मंत्री अपनी पार्टी के गिरेबान में झांके तो अच्छा होगा। प्रदेश में कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, प्रदेश के चिकित्सा मंत्री का प्रबंधन पूरी तरह से फेल है। राज्य के बड़बोले चिकित्सा मंत्री अपने बयान से पहले अपनी और अपनी पार्टी के गिरेबान में झांकते तो अच्छा लगता। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व दोयम दर्जे का है। मैं समझता हूँ जहाँ राजस्थान में कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, 10,000 से ज़्यादा की संख्या लगभग होने वाली है, और उसी बीच में कोरोना योद्धाओं को पहनाने वाले जिरे बख्तर पीपी किट के अंदर इस प्रकार का घोटाला, उन पर ध्यान देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। दोयम दर्जे के तो वो लोग हो गए जिन्होंने कांग्रेस को सत्ता में लाने के लिए संघर्ष किया था, आज वो जरूर अपने नाम के आगे उप लगाए बैठे हैं। मैं समझता हूँ अपनी पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों में देखें और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को दोयम दर्जा का कहना बंद करें। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहां इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी,
मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-2602। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 एकर ऑफ लश ग्रीन कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी। एडमिशंस ओपन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड, भोपाल। कॉल 9165025500। राज्यों में धार्मिक स्थलों को खोला जाए या फिर नहीं, इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी धर्म गुरुओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया है। इसमें जयपुर सहित प्रदेश के जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनके प्रमुख शामिल हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि फिलहाल कोरोना संकट कम नहीं हुआ है, ऐसे में धर्म गुरु अपनी तरफ से सुझाव दें सरकार को करना क्या चाहिए। इस पर कई धर्म गुरुओं ने कहा कि फिलहाल धार्मिक स्थल खोलने और बड़े आयोजन करने की कोई जरूरत नहीं है। धर्म गुरुओं 30 जून तक धार्मिक स्थल बंद रखने की सहमति जताई। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य भर में कोरोना को लेकर अलग अलग हालात हैं, ऐसे में जिला कलेक्टर की अगुवाई में कमेटियां बनाई जाएंगी जो धार्मिक स्थल खोले जाने के बारे में राज्य को रिपोर्ट पेश करेंगी। हमारे संवाददाता रामस्वरूप इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, ज्यादा वक्त तो बचा नहीं, 8 जून से देश भर में जो धार्मिक स्थल हैं खोलने हैं, ऐसे में कब तक फैसला हो पाएगा राजस्थान में, और आज जो मीटिंग थी इसके क्या मायने हैं, क्या कुछ निकल कर आया है? रामस्वरूप को रुक करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि तमाम धर्म गुरुओं से बातचीत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है, और उसमें ज़्यादातर जो धर्म गुरु थे वो इस बात पर सहमत नजर आए कि 30 जून तक जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको बंद रखा जाना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि जो गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं उनके मुताबिक 8 जून से जो पूजा स्थल हैं वो खुलने जा रहे हैं। कई सरकारें तैयारियां भी कर रही हैं, जैसे कि पंजाब में तैयारी हो गई, यूपी में तैयारी हो गई, लेकिन राजस्थान में अभी क्या कुछ चल रहा है समझने की कोशिश करते हैं। एक बार फिर रामस्वरूप के पास हम चलते हैं। रामस्वरूप, क्या कुछ इस मीटिंग से निकल कर आया है, क्या निर्णय हो सकता है? देखिए, जो पूर्व में गाइडलाइन आई थी जिसमें यह था कि 8 जून से धार्मिक स्थल जो है खुले जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद में क्या पाबंदियाँ और लगानी है ये सरकार तो क्या ये कहां पर किस स्थिति है? तो यहां पर हमने देखा कि जी टेक्निकल इशू है। एक बार फिर रामस्वरूप करो करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि कुछ शर्तें भी होंगी अगर पूजा स्थल खुलते हैं, जैसे कि माना यह जा रहा है कि हो सकता है प्रसाद जो वितरण अब तक होता आया है वो ना हो, इसके साथ ही मूर्ति टच आप नहीं कर सकेंगे, और जो बुजुर्ग हैं, जब 10 साल के से उम्र के कम के बच्चे हैं उनकी एंट्री नहीं होगी, साथ ही आपको मास्क पहनना अनिवार्य होगा और गोल घेरे के जरिए आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। रामस्वरूप, ये तमाम तैयारियां जो हैं वो हमने राज्य स्तर पर पंजाब में देख ली, यूपी में देख ली, क्या कुछ इसी तरह की शर्तें के बारे में सोच रही है राज्य सरकार? कहां तक पहुंचा है उनका ये फैसले लेने की दिशा, कहां तक है? देखिए, आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो अधिकतर क्या एक तरह से कह सकते हैं कि तमाम जो जितने भी अलग अलग समुदायों के जो धर्म गुरु हैं उनने साफ तौर पर सीएम साहब को कहा कि अभी फिलहाल खोलने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने ये कह दिया कि 30 जून तक अगर धार्मिक स्थलों को बंद रखें तो कोई आपत्ति नहीं है। सभी ने एक राय भी ये बात कही कि हम 30 जून तक धार्मिक स्थल बंद रखना के लिए राजी हैं, कतई कोई आवश्यकता नहीं जल्दी खोलने की। इसीलिए गहलोत सरकार ने जो है इस तरह की बात की कि सभी जिला कलेक्टरों को अलग अलग एक जिम्मेदारी दी जाएगी जिसको वो तय करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। हालांकि ये तय है कि अभी 8 जून से राजस्थान में कोई भी धार्मिक स्थल जो है वो नहीं खुलेंगे, और ये 30 जून तक बंद रहेंगे या इसके बीच में कोई छूट दी जाएगी ये अभी तय नहीं है। ये
जिला स्तर पर जो कमेटियाँ बनाई जाएंगी उनकी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर तय किया जाएगा, क्योंकि आज जो मीटिंग हुई है उसमें तमाम समुदायों के धर्मगुरु वहाँ मौजूद थे, वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े थे, न केवल जयपुर के बड़े मंदिर बल्कि जो प्रदेश के जितने भी बड़े मंदिर हैं उनके महंत की को भी जिला प्रशासन कलेक्ट्रेट के जरिए इनको वहाँ पर जोड़ा गया था। सभी ने एक ही बात कही थी कि अभी जो है कोरोना के हालात जो है सामान्य होने में समय लगेगा, सामान्य हो नहीं रहे हैं, काफ़ी संख्या के लगातार बढ़ते हैं, तो धार्मिक स्थल खोलने कोई जल्दबाजी उन्हें नहीं है। ये कह सकते हैं कि अभी फिलहाल ये बात है कि धार्मिक स्थल जो वो फिलहाल नहीं खुलेंगे, हालांकि धर्मगुरुओं ने तो ये कह दिया कि 30 जून तक। जिला कलेक्टर से भी अभी रिपोर्ट मांगी गई है, बहुत महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि रिपोर्ट में क्या कुछ कहा जाता है और उसी के आधार पर गहलोत सरकार फैसला लेगी कि पूर्ण स्तर को खोला जाए या फिर नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लागू होने के बाद से ही राज्य सरकार ने समाज के सभी वर्गों से सलाह मशवरा किया है। सीएम ने कहा कि समाज के सभी लोगों ने उनका सहयोग भी किया है, जिसकी वजह से जरूरतमंद तबकों को समय पर राहत तक मिली है। हम आज भी सभी के सहयोग से कोरोना से मजबूती से लड़ पा रहे हैं, इसकी पूरे देश में सराहना भी हो रही है। आगे भी हम इसी जज्बे से कोरोना से लड़ाई लड़ेंगे। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश के सभी जिलों में काम कर रहे सामाजिक संगठन और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्रियों के साथ अपने अनुभव साझा किए हैं और कोरोना की लड़ाई में आगे भी पूरा सहयोग देने का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि ये जो बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसमें ज़्यादातर सामाजिक संगठन थे और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि थे, जो ज़मीनी स्तर पर काफ़ी हद तक चीज़ों पर नज़र रखते हैं और उनका जो सलाह मशवरा है, उनकी जो राय है वो काफ़ी हद तक सरकार को फैसले लेने में एक मददगार भी साबित हो सकती है। और इसी मकसद के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बैठक की है। हमारे साथ रामस्वरूप इस खबर पर जुड़ गए हैं। रामस्वरूप, चाहे प्रवासी मजदूरों को मसला हो, उन तक क्या जो बजट का हिस्सा था वो पहुंचा नहीं पहुंचा, कितनी राहत पहुंची, इसको लेकर सामाजिक संगठनों ने अपनी आवाज़ उठाई थी, तो जाहिर तौर पर इतना तो समझ में आता है कि सिविल सोसाइटी के जो प्रतिनिधि हैं काफ़ी हद तक अलग अलग जो संगठन हैं और जो वर्ग हैं उनकी चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हैं। ये जो बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, इसमें किस तरह की राय सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने दी है? चाहे कोरोना पर नियंत्रण के लिए कितने भी प्रयास करें, लेकिन साफ तौर पर यह तय है कि जमीनी स्तर पर जागरूकता लाने के लिए सिर्फ सरकार के जो आदेश होते हैं या फिर जो विज्ञापन होते हैं उसके ज़्यादा प्रभावी होते हैं। जो सामाजिक संगठन होते हैं, जो आम आदमी होता है उसमें जो जागरूकता फैलाते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओ है, चाहे रजिस्टर्ड है चाहे नहीं रजिस्टर्ड है, लेकिन इस कोरोना संकट काल में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। जितनी सेवा सरकार कर रही थी उससे आगे बढ़ करके सामाजिक संगठनों ने जो सेवा की है, चाहे पैदल चलने वालों को भोजन देना हो, पानी देना हो, गाड़ी की व्यवस्था करनी हो, तमाम तरह के जो काम है वो प्रदेश के जो सामाजिक संगठन है और जो आम लोग हैं उनके द्वारा किया गया था। तो कल जो बैठक देर शाम को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ली थी, तो उसमें साफ तौर पर कहा था कि अभी भी कोरोना का संकट टला नहीं है जी, प्रदेश के लोगों को इसके बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है और इसमें सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका एनजीओ निभा सकते हैं और जो जरूरी है क्योंकि अब अनलॉक 1 शुरू हो चुका है, लोग बाहर निकलेंगे तो उसमें किस तरह की सावधानी वो बरते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। रामस्वरूप हमारे साथ बने रहिए, लगातार राजस्थान से आ रही खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। रामस्वरूप, कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं और इसीलिए आज सामने आए केसों पर नजर डालें तो चुरू में 10, बीकानेर में 1, दौसा में 1, धौलपुर में 1, जोधपुर में 1, चित्तौड़गढ़ में 1, पाली में 14, कोटा में 3, बारा में 1, जयपुर में 9, भीलवाड़ा में 1 केस सामने आया है। राजस्थान पांचवा ऐसा राज्य बन गया है जहां कोरोना के केस 10,000 से ज्यादा हैं। राज्य में वायरस की वजह से 219 की मौत भी हो गई है। रामस्वरूप से ताजा स्थिति समझने की कोशिश करते हैं। रामस्वरूप, आज 24 घंटे का अगर आंकड़ा समझें तो कितनी बढ़ोतरी हुई? देखिए, ये सही बात है कि कोरोना के जो मरीजों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और आज सुबह की जो 10:30 बजे की रिपोर्ट आई है उसमें 44 नए कोरोना पॉजिटिव केस देखने को मिले हैं। आंकड़ा जिस तरह से आपने बताया कि 10,000 से बाहर निकल गया है, लेकिन इसके साथ ही एक अच्छी बात यह भी है कि कोरोना का जो मरीज अब रिकवर जो हो रहे हैं वो बड़ी तेज़ी से हो रहे हैं। अभी तक के कुल मरीजों की बात करें तो जितने जो टोटल मरीज पाए गए हैं अब तक 10,128, उनमें से 7,384 जो मरीज है वो स्वस्थ हो चुके हैं, यानी कि
72.90% जो मरीज हैं वो रिकवर हो चुके हैं पूरे प्रदेश की बात करें तो। अब महज 2525 यानी कि 2525 ही कोरोना पॉजिटिव केस बचे हैं। सबसे अच्छी बात मैं आपको अपडेट बता दूं कि प्रदेश में केवल 8 जिले ऐसे हैं जहां पर 10 से कम संख्या में मरीज हैं। बांसवाड़ा ऐसा जिला है जहां पर अब कोई भी पॉजिटिव नहीं है, यानी कि जितने भी पॉजिटिव केस आए थे वो सब नेगेटिव हो चुके हैं। प्रतापगढ़ और गंगानगर की बात करें साइड टॉप पर केसेस बढ़ना एक चिंता का विषय जरूर राज्य सरकार के लिए, लोगों के लिए हो सकता है, लेकिन इसके साथ ही राहत की खबर ये भी है कि रिकवरी रेट राजस्थान का अच्छा है। शुक्रिया रामस्वरूप हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाघूस कांड के मुख्य आरोपी अशोक सिंघवी को जयपुर की मनी लॉन्ड्रिंग विशेष अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। सिंघवी ने 1 जून को मनी लॉन्ड्रिंग विशेष कोर्ट के जज अरुण कुमार अग्रवाल के सामने सरेंडर किया था। कोर्ट ने सिंघवी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए थे। सरेंडर करने के साथ ही सिंघवी की ओर से कोरोना संक्रमण के चलते जमानत देने की गुहार लगाई गई थी। अर्जी में कहा गया था कि जेलों में लगातार कैदियों के बीच संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में मुजरिम की उम्र को देखते हुए जमानत दे दी जाए। देश में लॉकडाउन के दौरान हवाई सेवाओं के लिहाज से अप्रैल जयपुर एयरपोर्ट के इतिहास में अब तक का सबसे खराब महीना रहा है। एयरपोर्ट अथॉरिटी के आंकड़ों के मुताबिक जयपुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से अप्रैल में 20 यात्रियों ने यात्रा की है। दरअसल ऐसा सभी तरह की फ्लाइट्स को रोकने की वजह से हुआ है। देश में घरेलू विमान सेवाओं पर लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी। 22 मार्च से इंटरनेशनल फ्लाइट्स का आवागमन भी रोक दिया गया था। इसके बाद 25 मार्च से सभी तरह के फ्लाइट्स भी, जो घरेलू फ्लाइट्स थी उन पर रोक लगा दी गई थी। राजस्थान के झालावाड़ जिले के जागीर गांव से एक मासूम की मौत की खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पानी इकट्ठा करने के लिए खोदे गए गड्ढे में 1.5 साल की मासूम बच्ची खेलते वक्त गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। जब परिजन बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मकान के योजना मिली नहीं, सब योजना मिली जो खाई बड़ाई फाड़ी गई तो मकान जना ज्यादा मैंने सीधे ड्राम में डाल लें, वो ड्राम से कर लेगा पर वो ठीक है यार, चली चले गई जो खाई बना लो खाई पे पानी डाल लेगा और उससे कहे पानी नहीं पीता वो। और अब खबरें रंगीले राजस्थान से। आइए अब आपको मिलवाते हैं ट्रीमैन से। जी हाँ, राजस्थान के सुरेंद्र अवाना पिछले 10 साल से रोज एक पौधा लगा रहे हैं, इसीलिए इनका नाम ही पड़ गया है ट्रीमैन। अब तक ये 52,000 से ज्यादा पौधे लगा चुके हैं। ये किसानों से अपील कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा औषधीय पौधे लगाएं, नीम, गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, हल्दी लगाएं। इससे किसानों को अच्छी आमदनी भी हो सकती है। आप अपने घरों में ही औषधीय पौधे लगा सकते हैं। आप गमलों में लगाइए, आपके घर की छत पे लगाइए। जो छोटे छोटे पौधे हैं जैसे गिलोय है, लेमन ग्रास है, स्टीविया है, तुलसा जी है, पत्थर चट्टा है आदि, ऐसे बहुत से छोटे छोटे पौधे हैं जो आप गमलों में छत पे लगा सकते हो। आप इसे महामारी से लड़ने के लिए इन पौधों का अपने घर से ही तोड़ के घर के अंदर काढ़ा बना के आप यूज किए, शुद्ध होंगे, ऑर्गेनिक होंगे और कीमत भी आपके पैसे भी बचेंगे और महामारी से भी लड़ने की शक्ति आएगी। सोराज राजस्थान में आज के लिए इतना ही। वक्त थोड़े से ब्रेक का है। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए सोराज एक्सप्रेस।